बिजनौर में दो दिन पहले 5 वर्षीय मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुष्कर्म में नाकाम होने पर पास के ही रहने वाले एक युवक ने बच्ची की गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया है। पूरा मामला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के मोहल्ला मुगलान के रहने वाले मोहम्मद औसाफ की 5 वर्षीय पुत्री सना अपनी मां से पैसे लेकर पास की किराना की दुकान से टॉफी लेने गई थी। काफी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास तलाश किया, काफी तलाश के बाद भी मासूम बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। शाम लगभग 6 बजे घर से लगभग 200 मीटर दूर एक खंडहर नुमा बंद पड़े मकान में मासूम सना का खून से लथपथ गर्दन कटा हुआ शव पड़ा मिला था। शव पतंग उड़ा रहे बच्चों ने देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पास के ही रहने वाले अमान खान 19 वर्ष पुत्र आजाद खान को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया, 3 तारीख को अभी शाम को 6:30 बजे करीब 5 वर्षीय एक बच्ची की निर्मम हत्या करके उसको शव को खंडहर में बरामद किया गया था। 3 टीमें हमारी तत्काल गठित की गई थी, प्रभारी निरीक्षक किरतपुर और स्वाट सर्विलांस की टीम ने अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। अभियुक्त जो कि उसी कस्बे का रहने वाला है, यहां अपने मामा के घर रहता था, उसके द्वारा यह कृत्य कारित किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम पर पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद प्रक्षेत्र के द्वारा 50,000 का नकद इनाम घोषित किया गया है। हत्या के कारण का कुछ पता चल पाया? हत्या का कारण यह जो लड़का है, ये नशेड़ी प्रवृत्ति का है और लड़की को गलत नीयत से ही ले आया, लेकिन लड़की चीखने चिल्लाने लगी तो उसने हत्या कारित कर दी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।